नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आज हम जानने वाले हैं फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे के बारे में इसका कहाँ यूज किया जाता है क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं मतलब नाक में कैसे डाला जाता है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी जो एम होती है वो आपको थ्री मिल जाती है इसका जो कंपोजिशन रहता है वो होता है फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट जब आप इस स्प्रे को एक बार अपने नोस्टल्स में डालते हो तो 50 माइक्रोग्राम जो है फ्लूटिकासोन डिलीवर ये करता है अब हम जानते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है तो जो फ्लूटिकासोन होता है वो एक स्टीरोड होता है इसका यूज एलर्जिक राइनाइटिस मतलब जो इन्फ्लामेशन जो सूजन आ जाती है नोज में उसमें इसका यूज किया जाता है उसको कम करने के लिए सीजनल एलर्जी में अब सीजनल एलर्जी कभी भी हो सकती है किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है तो किसी को जानवरों से तो किसी को ठंड आते ही एलर्जी हो जाती है इसमें छींक आना नाक बहना नाक बंद होना आंखों से पानी आना और ये एलर्जी कभी कभी नॉर्मल एंटी कोल्ड टेबलेट लेने पर भी खत्म नहीं होती है तो डॉक्टर द्वारा इस नेजल स्प्रे को प्रिस्क्राइब किया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर उससे इनके फायदा आ जाता है तो वो कंटिन्यू यूज करते रहते हैं बिना डॉक्टर को चेक कराए तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे लगातार इसको यूज ना करे जब तक आपको डॉक्टर ने यूज करने के लिए बोला है तब तक ही यूज करे क्योंकि ये एक स्टीरोड मेडिसिन होती है ज्यादा लंबे समय तक यूज करने से हो सकता है आपको कोई दूसरी मेडिसिन फिर काम ना करे और इसकी फिर हो सकता है कि आदत लग जाए आप परमानेंट ही इसको यूज करने लग जाओ तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें जो फ्लूटिकासोन होता है वह क्या करता है उन केमिकल मैसेजर्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और एलर्जी हो रही है तो आप जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो साइड इफेक्ट्स में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है हेड हो सकता है किसी किसी को बहुत रेयर केस में नोज ब्लीडिंग ये हो सकती है ड्राई थ्रोट मतलब जो आपका मुंह सूख सकता है गला सूख सकता है और थोड़ी कफिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते है तो इसको दिन में दो बार सुबह और शाम यूज करने की सलाह दी जाती है अब जानते हैं इसको यूज कैसे करना होता है तो सबसे पहले फ्लोमिस्ट स्प्रे को बॉक्स से निकालने के बाद आ, उसको शेक कर ले मतलब हिला ले थोड़ा सा उसके बाद उसके ऊपर की कैप को रिमूव करें आपको अपने हाथों की उंगलियों से इस प्रकार पकड़ना है जैसे पिक्चर में दिखा रखा है फिर एक नोस्टिल में स्प्रे करना है देन एक से दो मिनट के बाद दूसरी नोस्टिल में स्प्रे करना है स्प्रे करते वक्त फेस को पीछे ना करे लेटने की पोजिशन में फेस को ना करे फेस को सीधा रखे थोड़ा आगे झुका ले और फिर स्प्रे करे अगर आप इसको मतलब काफी टाइम बाद यूज कर रहे हैं मतलब हफ्ते भर बाद या दस दिन बाद या फिर महीने बाद दोबारा को यूज कर रहे हैं तो जो फर्स्ट इसकी डोज है उसको डिस्कार्ड कर दे मतलब उसको हवा में ही यू थोड़ा दूर करके निकाल दे बाहर उसके बाद इसको थोड़ा शेक करके हिलाकर फिर यूज में ले थैंक यू दोस्तों होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो